Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English Master Teacher, and your English Master Teacher today here is to share with you some unique opening and closing lines for your letter writing. Formal letter likhte hue bachche aksar bolte hain, मतलब वोकैबुलरी पे कैसे फोकस करें. तो वोकैबुलरी पे फोकस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस अभी ओपनिंग और एंडिंग को धमाकेदार बना दो. और इसके लिए भी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो सारे के सारे यूनिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइंस कलेक्ट करके मैं आपके सामने लेकर आई हूँ. करना कुछ नहीं है, बस हर डिफरेंट टाइप के लेटर के लिए एक एक ओपनिंग लाइन और क्लोजिंग लाइन रट लेनी है और उसे लिख लेना. एंड आई बेट यू वो ओपनिंग और क्लोज लाइन कोई यूज नहीं करता होगा, एंड इट्स गोना मेक योर लेटर स्टैंड आउट एंड हेल्प यू गेट दोज एक्स्ट्रा मार्क फॉर योर वोकैबुलरी. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड विदाउट एनी फर्दर अडू आगे बढ़ते हैं. बेटा सबसे पहली बात, अगर आपको कहीं पर से भी स्टडी मटेरियल की कमी पड़ रही हो तो बेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल वेदांतो की तरफ से मिल रहा है. आपको कुछ नहीं करना है, बस जो वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, ठीक है. वहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करना है. अगर आपने वेदांतो पे साइन इन नहीं करा है तो कर लो और आपके सामने वो सब कुछ हाजिर होगा. हम आपको फ्री सैम्पल पेपर्स दे रहे हैं हर सब्जेक्ट के, 3-3 सैम्पल पेपर्स विद आंसर कीज. हम आपको 20 मोस्ट रिपीटेड PYQs दे रहे हैं हर टॉपिक के, चैप्टर वाइज नोट्स दे रहे हैं. सो इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी दैट यू ऑल शुड अवेल. तो फिर गाइज मूविंग अहेड, लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो. सबसे पहले देखो कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर्स होते हैं. आपको पता है कि एक होता है आपका लेटर टू एडिटर, फिर होता है कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर एंड ऑर्डर लेटर. और यही मेजर चार टाइप्स के लेटर में से कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस आते भी हैं. अब इन चारों लेटर के लिए मैं आपको यूनिक ओपनिंग और क्लोजिंग लाइन सब दूंगी और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सिर्फ एक नहीं. चलिए फिर लेट्स स्टार्ट विद द लेटर टू एडिटर नाउ. सो हेयर आर सम यूनिक ओपनिंग लाइन्स दैट यू कैन यूज. फॉर एग्जाम्पल, इन द मिडस्ट ऑफ आर रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड इट इज इंपेरेटिव दैट वी टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन. अब ये आप यूज़ कर सकते हो जब भी आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हो, यू नो कि कैसे दुनिया चेंज हो रही है तो हम लोगों को यू नो रिएक्ट करने की जरूरत है ऑन ग्लोबल वार्मिंग और नॉइस पोल्यूशन व्हाटएवर. द पल्स ऑफ अ कम्युनिटी बीट्स थ्रू द पेजेस ऑफ जो भी उसका नाम है यू नो आपके न्यूज़पेपर का, इंस्टेड ऑफ थ्रू द कॉलम्स ऑफ एस्टीम न्यूज़पेपर, एंड इट कंपेल्स मी टू एड्रेस एन इशू दैट रिक्वायर्स अ कलेक्टिव अटेंशन. और फिर आप उस इशू को डिस्क्राइब करो. एज अ डेडिकेटेड रीडर ऑफ जो भी पब्लिकेशन का नाम है, आई बिलीव इन द पावर ऑफ इन्फॉर्म्ड डिस्कोर्स विच इज डिस्कशन विच इज वाई आई राइट टू यू टूडे. फिर उसके बाद टू ब्रिंग योर अटेंशन टू वट एवर द टॉपिक इज. इन अ वर्ल्ड वेयर वॉइसेस ऑफन स्ट्रगल टू बी हर्ड आई टर्न टू योर प्लेटफॉर्म इज अ मीन्स टू शेड लाइट ऑन जो भी आपका टॉपिक या इशू है. यार कितनी यूनिक ओपनिंग लाइन्स है यार. द पेन हैज ऑलवेज बीन माइटियर देन द स्वॉर्ड एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी टू वील्ड इट थ्रू योर एस्टीम पब्लिकेशन. स्क्रीनशॉट्स लेते रहना या नोट करते रहना जो भी पसंद आए. इन अ टाइम वेयर डायलॉग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एवर आई फाइंड माई सेल्फ कंपेल्ड टू शेयर माई थॉट्स ऑन वट एवर टॉपिक इश्यू इज विद द रीडर्स ऑफ जो भी आपके न्यूज़पेपर का नाम है. कितनी यूनिक है यार. थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्ट्रीम न्यूज पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ, उसे तो बहुत बेटर. अब क्लोजिंग लाइन्स की बात कर लेते हैं. काइंडली पब्लिश दिस लेटर सो दैट वी कैन क्रिएट अवेयरनेस अमंग द मासेस, ठीक है. नंबर टू, आई होप यू विल इनग्रेव द प्रीसीडिंग थ्रू योर एस्टीम न्यूज़पेपर. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज थ्रू द प्रेस्टीजियस कॉलम्स ऑफ योर पब्लिकेशन टू टेक स्टर्न एक्शन, ठीक है. जो भी आपका हो सकता है कि अगर आपका कोई ऐसा मामला है कि यू नो स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, पार्क नहीं है, तो आप उस लेटर टू एडिटर के थ्रू किसी अथॉरिटीज के बोलना चाहते हो, तब आप ये यूज़ कर सकते हो. काइंडली हाईलाइट द प्रॉब्लम थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रिनोन्ड न्यूज़पेपर. आई होप यू विल शेयर माई रिक्वेस्ट इन योर रेप्यूटेबल न्यूज़पेपर as soon as possible. Moving ahead, अब बात करते हैं complaint letter की. तो complaint letter की कुछ opening lines ये रहे. I write this letter not out of frustration but with the hope that my feedback will contribute to improving the customer experience. As I sit down to pen this letter, it is my sincere intention to bring to your attention a matter that warrants immediate consideration. So let's say कि आप किसी भी government authority को letter लिख रहे हो जिसके अंदर आपके superintendent हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. पेन का ही नहीं लिखा, लिख रहा है पर अटक रहा है, ठीक है. जिसके अंदर आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गए, कुछ भी हो गया, ठीक है, उनको आप लेटर लिख रहे हो, तब आप ये सेकंड नंबर वाला यूज कर सकते हो. इन अ वर्ल्ड बस्टलिंग, अब लिखेगा क्या, पता नहीं क्या हो गया, अटक रहा है बीच बीच में. इन अ वर्ल्ड बस्टलिंग विद अपॉर्चुनिटीज फॉर सीमलेस सर्विस इट इज डिसहार्टनिंग टू रिकाउंट एन एक्सपीरियंस दैट फॉल्स शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस. ये आप तब लिख सकते हो जब आपके साथ बिहेव अच्छा ना करा गया हो, किसी आपके एम्प्लॉय ने अच्छे से बिहेव नहीं करा. बिफोर डेल्विंग इनटू द डिटेल्स ऑफ माय रीसेंट एनकाउंटर
allow me to express my commitment to your brand and my belief in its potential for excellence. जब आपको कोई faulty product मिल गया, आपको उसे replace कराना है, that is when you can use it. I am writing to you today, not as a dissatisfied customer, but as someone who believes in the potential of your company and its ability to rectify issues. Again, when you have not been given appropriate service or the product that you demanded for. Let's come down to the closing lines. Looking forward to a prompt reply from you. Hoping for an update on the action taken and an early response. I hope my complaint does not fall on deaf ears. I hope you will consider my plea. Now, moving ahead, let's talk about inquiry letters over here. Inquiry letters ke liye kuch opening lines ye rahi. In my pursuit of जो भी चीज के बारे में आप information goal ला रहे हो, ठीक है, जो भी आपको achieve करना है, जो भी आपको course चाहिए, I find myself turning to your reputable organization for answers. I would greatly appreciate your assistance in shedding light on जो भी query है. Having come across your company's impressive track record in whatever industry, in photography, in dance, whatever, I am eager to learn more about जो भी course है, whatever you've come across. With a keen interest in, again, जो भी interested field है, I am reaching out to you with a request for more detailed information about. Next, I recently came across your company's offerings and was intrigued by the course or product or service you want to talk about, and I'm writing to inquire about the same. Having heard commendable feedback about your company, I am reaching out to you in the hopes of obtaining more information regarding jo bhi service chahte ho, jo bhi product chahte ho, and its potential applications. So beautiful, so elegant, just looking like a wow, isn't it? Let's come down to closing lines now. Really looking forward to hearing from you. Please reply with the same at the earliest. Please provide all the required information on जो भी है. जहाँ भी आप यहाँ पे at the earliest लिख रहे हो ना, वहाँ पे सब कुछ अपना देना closing में. What address you want and what phone number you want. I really anticipate hearing from you soon. You're waiting for your earnest response. Now, let's come down to letter for placing order. After much consideration, I am pleased to place an order for जिसके लिए भी order place कर रहे हो, of जो भी product है from your reputable establishment. It is with confidence in your quality and expertise that I submit my order for जो भी quantity है of जो भी product. After thorough research and careful consideration, I am enthusiastic to proceed with an order for quantity जो भी है, product जो भी है, from your esteemed organization. I have been thoroughly impressed by your company's reputation and the quality of your product, your service, prompting me to place an order for. With the utmost assurance in your company's capabilities, I'm pleased to confirm my order for. Having reviewed your catalog and testimonials, I'm confident in my decision to place an order for जो भी quantity, product, service है from your distinguished company. I think अगर आप ये opening lines use कर रहे हो, ये closing lines use कर रहे हो, आपको कोई teacher नहीं बोलने वाली कि आपने मतलब अपनी वो cap पर focus नहीं करा. जो आपकी body है वो तो कहीं ना कहीं से same ही है. Whether you talk about letter for order, letter of you know inquiry, उसमें तो आपको middle paragraph का पता ही है. तो I think these are some amazing lines जो कि आपको वो extra marks दिला सकती हैं. अब closing lines देख लेते हैं. Please dispatch the above items at the earliest on this and this address, on this and this date. Kindly provide us with a reasonable discount. Please send the quotation by जो भी date है. We hope that you will provide us with a fair discount and deliver the items well within time. And that's it. बस इतना ही बताना था. उसके अलावा IVSAT, I hope you all know about it. What is it? It is आपका Instant Vedantu Scholarship Admission Test, जो कि Vedantu Centers में live हो रहा है. और आप अगर यहाँ पे जाओगे तो आपको 70% तक की scholarship मिल सकती है. चाहे आप 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, foundation classes की preparation कर रहे हो, NEET JEE की preparation कर रहे हो, you can go for it. आपको बहुत अच्छा discount मिलेगा guys. और साथ ही साथ आपको 1-to-1 एक you know career counseling भी दी जाएगी, which is an amazing thing for you. So these are some of the centers. बेटा आपको पता है Vedantu offline खुल गया है. यहाँ पर में से आप कहीं पर भी हो तो प्लीज जाके ये टेस्ट देकर आओ. आपको बस अपना स्लॉट बुक करने की जरूरत है. स्लॉट बुक करने के लिए बस लिंक पर जाना है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड यू आर सॉर्टेड एब्सोल्युटली. सो प्लीज गो हेड एंड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी एट ऑल कॉस्ट. And that's it from my end, guys. This is a Telegram channel. Make sure to join our community over here as well for PDF, BDS and reminders of such amazing sessions. Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. Lastly, if you enjoyed this video, you know the drill. Hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. So, bye-bye, guys. Hasta la vista. Phir milenge. Padhte, padhte.